दिन में कर्ज माफ होने शुरू हुए। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को के कर्ज इन्होंने माफ किया। आपको मालूम है कितने? 550 हजार करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं। और जब हम योजनाएं किसानों के लिए निकालते हैं, यहाँ कहते हैं कि न्याय की योजना से आपको 72 हजार रुपए मिलने चाहिए, कहते हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है। तो समझ लीजिए, इनकी नीयत भी समझ लीजिए, इनकी नीति भी समझ लीजिए। नीयत खराब है और नीति उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है, आपके लिए नहीं। इस देश को मजबूत बनाना है तो इस देश की जनता को शक्ति देनी है। इस देश को मजबूत बनाना है तो आपकी आवाज उठनी चाहिए, आपको दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, हमें शहंशाह नहीं चाहिए इस देश में, लोकतंत्र चाहिए, जनता की आवाज चाहिए। अगर जनता अपनी अधिकार मांगे, आप अपनी अधिकार मांगो, तो आपको दबाने का किसी को हक नहीं है। तो ये जो मैं कह रही हूँ ये बात आप अच्छी तरह से समझिए। अमेठी से अमेठी की जनता सबसे जागरूक है, सबसे जागरूक है, क्योंकि आपने हमेशा एक सच्ची राजनीति का समर्थन किया है। तो आज भी मैं ये कहने आई हूँ, जागरूक रहिए और अपनी जागरूकता का मिसाल पूरे देश को दिखाइए। अपनी आवाज यहाँ से उठाइए, देश भर में गूंजनी चाहिए कि इस देश को सच्ची और सही राजनीति चाहिए, जो सेवा और समर्पण की राजनीति हो। जो नेता इस देश के लिए काम करे वही नेता आगे बढ़ेगा। तो यही सब चीजें कहनी थी।